मैं थक चुकी हूँ यार, मुझे ऐसे लग रहा है इसलिए मैं इतनी ड्रामा कर रही हूँ। हाय गाइस, नमस्ते, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पूजा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अमेजोन से कुछ मैंने वेस्टर्न ड्रेसेस मंगाई हैं, वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो बाजू ऊपर करो और शुरू हो जाओ। तो जो सबसे पहली ड्रेस है ये वाली है, चेक की। एक और चेक मंगाई थी जो मैं बहुत ज्यादा मुझे फंस रही थी ब्रेस्ट से ना, मेरे ब्रेस्ट ऐसे एकदम प्रेस हो गई थी, उसमें एकदम ऐसे टाइट फंस रही थी। तो मैंने उसका सेम नहीं, पता नहीं क्यों मैंने एक्सचेंज डाला था, उसमें सेम का ऑप्शन नहीं था। ये ऑप्शन दिखा रहा था, इसमें मैंने एक साइज बड़ा मंगाया था, ये मुझे लूज आ रहा है, आई डोंट नो क्या फंडा है। ये वाली ड्रेस दोनों का पैटर्न अलग है, तो इसका इस वाले का मुझे शायद स्मॉल आएगा, ये मीडियम है, तो मुझे लूज आ रहा था। ये चेक चेक का कॉटन की ड्रेस है, एल्बो स्लीव्स है, उसका पैटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट था, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसका भी है, इसमें ये फ्रिल फ्रिल्स का पैटर्न है, फ्रंट में ये बटन्स दिए हुए हैं, एंड ये ड्रेस जो है ये नीस से लंबी है, नीस से बड़ी आएगी आपको। इसमें जो चेक दिया हुआ है, इट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के चेक्स हैं इसमें, ब्लैक, रेड, स्काई ब्लू, ये सारे चेक्स हैं इसमें। एंड ये स्क्वायर टाइप का इसका नेक दिया है, स्लीव्स ऐसी वाली हैं, इधर से पुफ स्लीव्स हैं, एंड एल्बो स्लीव्स थोड़ा सा एल्बो से ऊपर, ये इस तरह के फ्रिल्स हैं इसमें नीचे। ओवरऑल अच्छी लग रही थी, जिस प्राइस में ये ड्रेस आई उसकी क्वालिटी अच्छी है, आई लाइक इट। नेक्स्ट आई हैव दिस प्रिंटेड शर्ट ड्रेस। जब मैंने इसको ऑर्डर भी किया तो मैंने मंगाई थी, मैं इसको कुछ शायद प्राइस दिमाग में था, प्राइस इसके मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी एंड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मुझे इतनी अच्छी लगी नहीं थी, आने के बाद भी नहीं लगी थी, जब मैंने इसको ट्राई किया तो वेस्ट से लूज थी, तो ऑब्वियसली ये इस तरह से झल्ली लगती मैं। सो आई थॉट कि इसको बेल्ट के साथ स्टाइल करूंगी, बट जो जिस तरह से मैंने इसको फाइनली स्टाइल किया था, दैट वॉज लुकिंग रियली गुड। तो इसका पैटर्न ओवरऑल अच्छा लग रहा था, तो अब इस तरह से अगर आप इससे स्टाइल करते हैं ना बेल्ट के साथ, और इस तरह से बहुत प्यारी लगती है ओवरऑल, इस तरह का लुक काफी क्लासी लग रही थी, जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रॉम दिस ड्रेस। एंड इसका जो फैब्रिक है, इट्स काइंड ऑफ पॉलिएस्टर ड्रेस, सी थ्रू नहीं है बहुत ज्यादा, आपको ऐसे सी थ्रू नहीं है, ऐसे देखोगे तो ऑब्वियसली दिखेगा। उतनी पतला नहीं है फैब्रिक, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है। ये इस तरह के इसके स्लीव्स हैं, फ्रंट में बटन्स हैं, बस प्रॉपर जैसे शर्ट ड्रेस होती है वैसी है। प्रिंट वगैरह इसका अच्छा लग रहा है, नॉट बैड ओवरऑल, इट्स गुड। जब आप उसको लोगे ना, छूओगे तो आपको इतनी पसंद नहीं आएंगी, बट अगर इस तरह से जैसे मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर रही हूँ तो वैसे आप स्टाइल करते हैं तो अच्छी लगेगी, नाइस। इस तरह की ड्रेसेस तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोरियन लड़कियां पहनती हैं, वो वैसे भी इतनी प्रिटी होती हैं, और उनके पैटर्न इस तरह की, वेस्ट लाइन बहुत उनकी ऐसे टाइनी होती है वेस्ट, और उनपे इस तरह की ड्रेसेस अच्छी लगती हैं। तो उसी पैटर्न की ये ड्रेस है, इस तरह की स्लीव्स हैं, फुल स्लीव्स, इसका पैटर्न ये वाले फ्रिल फ्रिल हैं, फ्रिल क्योंकि प्रिंट है ना इसमें, फ्लोरल प्रिंट है तो उसकी वजह से फ्रिल्स उतने नजर आ नहीं रहे हैं, बट इसका अच्छा है। ये भी ड्रेस मुझे लगता है एक साइज छोटा आएगा मुझे, इसे मैंने एक मंगाई थी जो वो बड़ी थी, तो मैंने एक छोटा मंगाया, तो मुझे लगता है एक और छोटा आएगा। इसका नेक का पैटर्न ऐसा सा है, यू टाई दिस, तो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था मुझे। एंड ये भी फ्रिल्स फ्रिल्स हैं इसमें नीचे पूरे में, एंकल से थोड़ी ऊपर आएगी, मैक्सी टाइप की ड्रेस है, पूरी मैक्स, बहुत ज्यादा लंबी नहीं, पर पैर दिखते हैं उतनी इसकी लेंथ है, एंड फ्लोरल ये प्रिंट वगैरह मुझे अच्छा लग रहा है, फैब्रिक इज ऑल्सो गुड, आई लाइक दिस ड्रेस। सो द लास्ट ड्रेस इज फ्रॉम मिस चेज। ये अगर आपको पार्टी वेयर कोई ड्रेस चाहिए, पार्टी नहीं कैजुअली भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। ये मैंने जब मेरा बेबी 2 ईयर्स का, उसका सेकंड बर्थडे पर मुझे ड्रेस चाहिए थी, तब मैंने 2-3 ड्रेसेस मंगाई थी, ब्लैक मुझे चाहिए था, तो मैंने 2-3 ड्रेसेस मंगाई थी, तो उनमें से मुझे एक चूज करनी थी। तो ये ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर जो वो साइज आया था वो बहुत छोटा था मुझे, बट देन मुझे दूसरी वाली पसंद आ गई थी, तो मैंने ये वाली रिटर्न कर दी थी, तो मैंने अब मंगाई है। अब ये वाला मुझे लूज आ रहा है, इट्स एल साइज, मैंने चार्ट देख के मंगाया था शायद, इसे मुझे मीडियम आएगा विच इज नॉट अवेलेबल, इसको मैंने इसलिए बेल्ट के साथ में स्टाइल किया है, इसे एक छोटा साइज मुझे आएगा। फ्रंट में जो मोती का वर्क है ना, इट्स नॉट प्रिंट, आई होप कैमरा कैच कर रहा है अच्छे से, इट्स नॉट प्रिंट, तो ये मोती मोती का इस तरह का काम है, बहुत सुंदर लग रही है। इसमें यहां तक लाइनिंग है उसके अंदर की साइड पे, तो ये बहुत प्यारी लग रही है इसकी, जो सारी ड्रेस का जो लुक है ना इसी से है, ये इसका अट्रैक्शन है, ये मोती मोती बहुत अच्छे लग रहे हैं। और नीचे मैक्सी ड्रेस है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, एंड एज पर द प्राइस गुड, ड्रेस इज रियली नाइस, यू कैन डेफिनेटली ट्राई, अगर आपको इस तरह की लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, तरह की आप ड्रेस को ढूंढ रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। ये सो गाइज, या थैंक यू सो मच। अगर ऐसी और भी वीडियोज आपको देखनी है
कैसी देखनी है, लाइक बेबी प्रोडक्ट्स, हॉल वीडियोस, लाइक रैंडम हॉल वीडियोस, तो उस तरह की वीडियोस मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ। एंड इफ यू इंटरेस्टेड इन स्टाइलिंग वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू माय अदर चैनल ऑटोमेट पूजा। इंस्टाग्राम पे भी मैं रेगुलर रहती हूँ स्टाइलिंग रील्स के साथ। सो गाइज थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।